मुंबई से सटे पालघर में एक नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही से एक बस 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर यात्रियों को इलाज के लिए पास ही के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। उधर एनसीबी ने कांड्रेलिया क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। इसके अलावा कांदीवली क्षेत्र में एक मामा को अपनी भांजी से एक तरफा प्यार हो गया, जिसकी वजह से उसने उसके बॉयफ्रेंड को रेलवे ओवरब्रिज से धक्का देकर उसकी जान ले ली। बाद में पुलिस ने खुलासा किया तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुंबई से सटे पालघर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसके चलते बस 25 फीट नीचे खाई में जा गिरी। इस दौरान बस में करीब 22 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 घायल और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहत की बात ये रही कि किसी की इस हादसे में मौत नहीं हुई। बाद में मौके पर जमा भीड़ ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। इसके बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया। मुंबई के कांदीवली में मामा को भांजी से प्यार हो गया और इस एक तरफा प्यार में मामा ने भांजी के बॉयफ्रेंड की शराब पिलाकर हत्या कर दी। दरअसल कांदीवली पुलिस स्टेशन की सीमा में रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की से उसके ही मामा सूरज विश्वकर्मा को प्यार हो गया। इस दौरान लड़की के बॉयफ्रेंड ने मामा को बताया कि वो उसकी भांजी से प्यार करता है और वो भी उसे प्यार करती है, तो इसी बात से नाराज होकर मामा सूरज ने दीपक को शराब पिलाकर फोटो निकालने के बहाने रेलवे पुल पर ले गया, जहां से उसे धक्का देकर फरार हो गया। बाद में पुलिस को लाश मिली तो उसे दफना दिया। इस बीच दीपक के घर वालों ने उसकी मिसिंग की कंप्लेन की तो कुछ दिन बाद बॉडी दीपक के घर वालों को सौंप दी। उधर सूरज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। कांदिवलीपुर स्टेशन में AMR रजिस्टर नोन किया था, उसका तहकीकात करने वाले जो अधिकारी है सूर्यकांत पवार, इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में मिसिंग आदमी का मोबाइल क्रमांक और बाकी टेक्निकल तपास करके हमें पता चला कि दीपक कटकूर ये दिनांक 12/5/2022 को सूरज को कांदिवली रेलवे स्टेशन के सरोवर होटल है वहाँ से लेके उसको किडनैप करके लेके गया था। उसको भाईंदर खाड़ी पुल पे लेके गया और भाईंदर खाड़ी पुल में उसने उसके फोटो खींचने के बहाने उसको खाड़ी पुल के रेलिंग से ढकेल कर नीचे फेंक दिया और उसका खून किया, ये तहकीकात में स्पष्ट हुआ। उसके बाद और आरोपी को माननीय न्यायालय ने दिनांक 28/5/2022 तक पुलिस कस्टडी दिया है और उसका तहकीकात चालू है। कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट के बाद अब एनसीबी पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाली एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दे दिए गए हैं। ये जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के कहने पर करवाई जा रही है। दोषी साबित होने पर वानखेड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आर्यन केस में विवादों में घिरने के बाद उन्हें डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में ट्रांसफर कर दिया गया है। एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि सरकार ने सक्षम अधिकारियों को आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की गलत जांच के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। सरकार पहले ही समीर वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई कर चुकी है। इस मामले में आर्यन सहित 19 लोग आरोपी थे। कोर्डेलिया ड्रग्स क्रूज रेड के प्रकरण के अंदर पहले दिन से नवाब मलिक जी ने कहा था कि सारा रेड जो है फर्जीवाड़ा है, इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। और आज आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्लीन चिट दी है। एक बात स्पष्ट है कि यहां पे जिस प्रकार से रेड हुई थी और उसके बाद में जो विटनेस थे उन्होंने हॉस्टाइल होने के बाद ये कहा कि कोरे कागजों पे हमारे दस्तखत ली गई, क्या लिखा गया हमको बताया नहीं। एक जो विटनेस थे उनकी अनैसर्गिक मृत्यु भी हो गई। किसी और विटनेस ने कहा कि पैसे लेने देने की भी बात चल रही थी। कोर्डेलिया ड्रग्स क्रूज रेड के संदर्भ में जो भूमिका स्टार्टिंग से नवाब मलिक जी ने रखी थी वो सत्य निकली, वो सही निकली। समीर वानखेड़े जी इस रेड का नेतृत्व कर रहे थे और उनके व्यक्तिमत्व के बारे में भी काफी सारे प्रश्न चिन्ह निर्माण हुए। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को क्लीन चिट दी है। एक इसका ये मतलब स्पष्ट है कि नवाब मलिक जी ने जो अपनी भूमिका रखी थी वो पूर्ण रूप से सही है।